वेलकम बैक. हम बात कर रहे हैं प्रोफेसर राम हरि दास से. ये तो आपने ओडिसी के बारे में बताया जी, जी. लेकिन इसके अलावा चंपू भी है जी. और छंद भी है. छंद और जहाँ तक चंपू की बात है तो कई तरह के क चंपू म चंपू और अक्षरों को लेकर काफी लिखते हैं. चंपू एक वर्ड है संस्कृत में, इसे कहते हैं कि गद्य पद्यात्मकम काव्यम. काव्य लिखने का एक धारा होता है गद्य और पद्य के साथ, इसे चंपू कहा जाता है. लेकिन उड़ीसी संगीत में जो चंपू है इसमें पद्य है उड़िया गाना, गद्य है संस्कृत. एंड इसका रचयिता एक ही पोएट है, कवि सूर्य वड़देव रथ, 17th सेंचुरी के पोएट है. इसने जो चंपू काव्य लिखा इसका नाम दिया किशोर चंद्रानंद चंपू. इसमें ओनली 34 सॉन्ग्स, 34 गाने हैं बस, 34 गाने. तो ये 34 क्योंकि क से ख्य तक, क ख ग घ व च छ ज झ, तो हर जो वर्ण क वर्ण ख वर्ण जो व्यंजन वर्ण है, मतलब आप जैसे कह रहे थे क क्या म, तो क के ऊपर जो गाना है जो कंपोजिशन है दैट इज क चंपू. यानी उसमें हर लाइन शुरू होती है, हर गाने का हर लाइन शुरू होता है की हेला रे कही तो नुही भारती रे, काली जा दूर रोखी क से, केड़ी कदम्ब लतार क से, तो एते कंपी मोर देह, ये सारे क के सुरे. जैसे खरा पतु हेलु रे, खेल लोड़ ख, खेल लोड़ खंजनाखी की साहस कलु रे, खरब हुई सुरतरु खेद बीज, तो सब ऐसे ही घस है घस, सारे गीत गाना एक एक वर्ड के आधार पर होता रहता है. संस्कृत में कहा जाता है एक जो संगीत ग्रंथ में एक प्रबंध है, इसीलिए हम लोग जोड़ते हैं क्योंकि ट्रेडिशनली हम जो गाते हैं ये शास्त्र के साथ कैसे जुड़ा हुआ है. क्योंकि हम कहते हैं ना कि उड़ीसी म्यूजिक भी शास्त्रीय संगीत है. जी, जी, जी. तो ये जो चंपू कंपोजिशन है इसको संगीत शास्त्र में मातृका प्रबंध कहा गया है. मातृका प्रबंध क्योंकि इसमें कहा है एकैक मातृका वर्ण पूर्वकाणि पदानि चेत क्रमेण जत्र गीयन्ते मातृका सा त्रिधा प्रोक्ता. एकैक मातृका वर्ण, एक एक करके मातृका वर्ण, फर्स्ट वर्ड इज द फर्स्ट अल्फाबेट इज मातृका वर्ण, तो एक एक करके जब पदानि पद की रचना हुई एंड क्रमेण जत्र गियंते सीरियली क से ख से जत्र गियंते, इसको कहते हैं कि मातृका. एंड सा त्रिधा तीन प्रकार का होता है, तो तीन प्रकार है, एक दिव्या और एक मानुषी और एक दिव्या मानुषी. तो दिव्या जो मातृका प्रबंध होता है वो संस्कृत में होता है, दिव्या संस्कृतया वाचा, एंड मानुषी प्राकृता गिरा. जितने की रीजनल लैंग्वेज में जो मातृका प्रबंध हुआ इसको मानुषी कहा गया, एंड दोनों को मिला के जो प्रबंध हुआ वो तो दिव्या मानुषी बन गया. तो हमारे जो चंपू ये उड़िया में है, दैट इज इन रीजनल लैंग्वेज, प्रकृता गिरा प्रकृता भाषा में है, तो इसीलिए इसका क्लासिफिकेशन ऐसा हुआ चंपू इज मानुषी मातृका प्रबंध इस संगीत के हिसाब से. और एक बात है, कवि सूर्य बलदेव रथ ने जो 34 गाने लिखे हैं हर गाने के ऊपर एक एक राग का मेंशन किया है. अच्छा. एंड फॉर्चुनेटली एनफ कोई नोटेशन है नहीं, सदियों से इसी लिखा हुआ राग पर उड़ीसा में चंपू गाते हैं. जैसे मैं आपको क चंपू का फर्स्ट, तो ये राग साबेरी में लिखा है. साबेरी इज कमन टू साबेरी पल्लवी कितना है हमारे उड़ीसी डांस के साथ, वो गाना कि हेला अरे कि हेला अरे कोही तो हुआ जो हुआ ये भारत में नहीं कर सके, भारत मतलब भाषा में
नहीं कह सकता हूं। राधा जी कह रहे हैं कि मैंने कुछ देखा, नदी के आर पर एक नीला सा कुछ देखा, तो ये जो मैंने देखा मैं भारती में बोल नहीं सकती, क्योंकि ये सारे जो क से ख तक गाने ये ड्रामा के डायलॉग जैसा है। अच्छा। जब राधा जी ने कहा कि मैंने आज देखा, कृष्ण जी को देखा, इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं कुछ नीला सा देखा, तो सखिया समझ गए। तो सखिया कह रहे खराब तू हेलू, अरे खराब है गई का, तू कहा और वो कृष्ण जी कहा, इसको देख के ऐसा मन कर रहा है, नहीं नहीं छोड़ो यार। तो एक केदार राग में अच्छा। वाला गाना खराब तू हेलू रे साहस कोलू, ऐसे कहीं साहस किया कि कहने के लिए, तो कह रहे खरब हो खरबन बामन खरब हो सुरा खरब होकर बामन होकर कुसु सुर तरु, नंदन कानन के जो पेड़ है तरु है, इससे कुसुम फूल तो जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहे था। तो खेदा बीजनी जा हृद केदा राधा जी बोलेंगे ठीक है छोड़ो आप गलाणी तो गला गे गलाणी तो गला कथा जो छोड़ दो यार जो हो गया हो गया। एक बताइए कि सवाल जवाब करके सवाल जवाब जैसा ही है। अच्छा तो अच्छा सखियों अच्छा। का तो बाद में मिलन तो होने वाला है। जी 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 जी। तो ऐसे जब बोलने लगे तो सखियों के पता चल गया ये मुंह में कह रहे हैं गलानी तो गला लेकिन अंदर में कुछ है। तो इसे इसलिए कह रहे हैं घेनाई अंभे जेते कोहिलू रे, घाव में आ गया। अच्छा, हम लोग घेनाई मतलब समझा बुझा कर इसी तरह से चलता जाता चलता है। रामहरि दास जी अब हम आते हैं गीत गोविंद पर। जी जी। जो कि दुनिया भर में विख्यात है, सभी ने इसका नाम सुना है। और गीत गोविंद गाने के एक एक अष्टपदी के बारे में लिखा है, इस राग में गाई जाएगी। एक्चुअली गीत गोविंद जगन्नाथ जी के सेवा का एक संगीत है, ऐसा ही मतलब इतिहास कहता है कि जब महारि सेवा कथा प्रचलन मन श्री मंदिर में भीतर गाउनी एंड बाहर गाउनी, तो बाहर बैठकर जो गाता है वो बाहर गाउनी, भीतर गाउनी इज महारि सेवा। एंड खासकर जगन्नाथ जी के जब पहाड़ मतलब सोने की टाइम हो जाता है तो ये गीत गोविंद सुनकर सोते रहते हैं। गीत गोविंद एक्चुअली जयदेव जी ने लिखा, तो जयदेव जी ने खुद कहा मैंने गीत गोविंद क्यों लिखा ना, स्वयं स्वयं कृते न गीते न तोषयिष्यामि अहम हरि, मैं मेरे खुद की लिखा हुआ गाने के साथ मैं जगन्नाथ जी का संतुष्टि करूंगा, तोषयिष्यामि तुष्टि प्रदान करूंगा। तो ये गीत गोविंद का उद्देश्य यही है, क्योंकि गीते न प्रियते देव, गाने सुनने के साथ देव देवताएं संतुष्ट हो जाते हैं, इसीलिए जयदेव जी ने लिखा। और 24 गाने हैं इसमें, 24 गाने के लिए राग एक राग का, 24 गानों के लिए 12 राग का और 5 ताल का जी यूज किया है जयदेव जी ने। मेरा भी एक याद आ रहा है कि एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म हो रहा था, हम लोग सोचे कि गीत गोविंद जैसे लिखा है राग उसी राग पर हम करेंगे। तो और एक जो डायरेक्टर था इसने बताया कि देखो भाई गीत गोविंद इतना सरल भाषा है, कांत कोमल पदावलिन, जयदेव जी ने खुद कहा सुंदर पदावली के साथ लिखा है, इसको इतना सिंपल करो कि कोई भी इसको मन में मन गूंज उठता है जैसे। तो हम लोग प्रलय पौधी जड़े दशावतार के साथ शुरू किया राग माड़ब में, माड़ब इज समथिंग लाइक भैरव, माड़ब गौड़ा,
प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदं विहित वहेत्र चरित्र मखेदं केशव धृतमेन शरीर जय जय देश हरे खितिरति विपुलतरे तव तिष्ठति पुष्टे। तो ये भैरव में है, माणव में है, एकदम सिंपल जैसा लग रहा है, लेकिन उड़ीसी डांस के साथ हम लोग कल्याण में गाते हैं। बहुत सारे रचनाएं राग मालिका के आधार पर हैं, लेकिन उड़ीसी के साथ, उड़ीसी डांस के साथ खासकर हम लोग कल्याण में, हमारे गुरुजी पंडित भुवनेश्वर मिश्र हो, संगीत सुधाकर बालकृष्ण दास जी, ये कंपोज कल्याण में क्या है, कल्याण में जाते आते हैं। अच्छा ये बताइए, उड़ीसी डांस जो है पूरे विश्व में विख्यात है, लेकिन उड़ीसी म्यूजिक उतना पॉपुलर नहीं हो पाया है, उतना फेमस नहीं हो पाया है, ऐसा क्यों? क्योंकि उड़ीसी तो एक गाने का चीज होता है, एंड उड़ीसी म्यूजिक का जो कंसर्ट्स वगैरह होता है ये उड़ीसा में बहुत ज्यादातर अधिकतर ही होता रहता है, लेकिन बाहर इतना हुआ नहीं। लेकिन आजकल तो हम लोगों के यहाँ एक म्यूजिक कॉलेज है, एक यूनिवर्सिटी है, रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन बहुत कुछ है, सारे इंस्टीट्यूशन में उड़ीसी म्यूजिक एक अलग सा म्यूजिक सिस्टम्स के जरिए सिखाया जाता है। एंड हम लोग सोचते हैं कि ज़्यादा जैसे मतलब परफॉर्मर्स निकलना चाहिए, बहुत सारे बहुत नंबर के परफॉर्मर्स जैसे हिंदुस्तानी कर्नाटक में कितने हैं, तो ये टाइम आ जाएगा, परफॉर्मर्स निकलेंगे और उड़ीसी भी म्यूजिक भी डांस की तरह पॉपुलर हो जाएगा। रामवीर दास जी, आपका बहुत शुक्रिया जो आप हमारे यहाँ स्टूडियो में आए और हमें उड़ीसी संगीत के बारे में इतना सब बताया। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।